नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा के कस्बा मांट में आयोजित भाजपा का संयुक्त मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से बखान किया और कार्यकर्ताओं से कहा कि वह हर घर तक जाएं और लोगों से बात करें और सरकार की योजनाओं की जानकारी दें। सपा, बसपा व कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकारों में माता बहन व आम आदमी सुरक्षित नहीं था और बाहुबलियों का विकास होता था। आज प्रयागराज व मऊ जैसे तमाम उदाहरण सामने हैं कि भाजपा सरकार ने बाहुबलियों से कैसे निपटा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन भारत ने बनाए, हर एक देशवासी को निशुल्क वैक्सीन देने के साथ साथ 70 देशों में भी वैक्सीन प्रदाय की। क्षेत्रीय विधायक राजेश चौधरी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जब वह राधा मोहन सिंह से मिले तभी उन्होंने कहा था कि जाओ तैयारी करो, सभी सीट मथुरा में जीतेंगे। विधायक ने कहा कि मांट क्षेत्र में तेज गति से विकास कार्य चल रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने की, संचालन उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मुकेश वार्षणेय ने किया। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट।